अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के एक्स जनरल बाजवा ने कहा कि हम इंडिया के साथ वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो टैंक है उनके लिए फ्यूल ही नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि इंडिया के साथ वॉर ही क्यों चाहिए, इंडिया के साथ दोस्ती भी तो कर सकते हैं। एंटी इंडिया स्टांस लेना या वॉर के थ्रेट देना, ये पाकिस्तान को दो तरह से जो है फ़ायदा बन जाते हैं। पहला फ़ायदा उनकी सरकार को होता है जो कि दोबारा जीत कराती है अगर वो इंडिया के साथ लड़ाई लड़े या इंडिया के अगेंस्ट बोले। दूसरा फ़ायदा होता है इंटरनेशनली दूसरे देशों से आने वाला फंड जो करप्शन और इंडिया की एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। पाकिस्तान के एक्स जनरल बाजवा प्रधानमंत्री मोदी को 2021 में इनवाइट करना चाहते थे। प्लान ये था कि सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी वहां के शक्तिपीठ श्री माता मंदिर में दर्शन करेंगे, वहां से इस्लामाबाद जाया जाएगा, वहां पर कश्मीर को लेकर पीस बातचीत होनी थी, पीस टॉक होनी थी। लेकिन इस बातचीत को वहां के तब के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपोज किया इस डर से कि कहीं वो आने वाले इलेक्शन हार ना जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि वहां की जनता को गलत कहा जाए या वहां की सरकार को। इस नफरत की राजनीति से लेकर आतंकवाद को अपनी धरती पर पनपने देना, क्या इस चीज ने कभी पाकिस्तान को फायदा किया है? ये पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए।